छत्तीसगढ़ गृह विभाग के संसदीय सचिव विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को भूल जाती है कि पिछले 15 से 20 छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी। उस समय भूमाफिया और गोरख धंधा करने वाले ग्रोहों का सफाया कर रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भूपेश सरकार को अपराधों का गढ़ बताया था, जिसके बाद विकास उपाध्याय का बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भूल जाती है कि 15 साल इस प्रदेश में अगर किसी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार थी, और जिस प्रकार से उस समय भू माफियाओं का अलग अलग गोरख धंधा करने वाले लोगों का जो माफिया बना, जो गिरोह बना, और उसी को साफ करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है।